भारत पर चाइना और पाकिस्तान को लेकर एक टू फ्रंट वॉर का खतरा बना हुआ है। यह खतरा तब और बढ़ जाता है जब फिफ्थ जनरेशन जैसे फाइटर जेट्स की बात की जाए। चाइना का J20 माइटी ड्रैगन ऑलरेडी सर्विस दे रहा है और आने वाले कुछ ही सालों में FC-31 भी सर्विस में इंडक्ट हो जाएगा। इधर भारी आर्थिक मंदी के बावजूद भी पाकिस्तान तुर्की के फिफ्थ जनरेशन फाइटर प्रोग्राम को ज्वाइन करने की फिराक में है, लेकिन जब बात हमारे AMCA प्रोग्राम की होती है तो उसमें बस डिले दिखाई देता है और ये बात रसिया भली भांति जानता है। इसीलिए रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा कि रशियन मीडिया द्वारा बार बार यह क्लेम किया जा रहा है कि SU-57 में कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट किए जा रहे हैं जो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। बेसिकली रसिया अपनी मीडिया की मदद से अपने फाइटर जेट SU-57 की मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन फिलहाल SU-57 को खरीदने का भारत का कोई मूड नहीं है।